हमने पिछले लेक्चर में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की बात की थी, जिसमें हमने दो फ्रेम्स लिए थे, दोनों इनर्शियल फ्रेम्स। एक को हमने एस फ्रेम कहा था, एक को एस प्राइम फ्रेम कहा था। तो एक फ्रेम एस और दूसरा एस प्राइम, और एस की अपेक्षा एस प्राइम ये वी वेग से, जो कॉमन एक्स एक्सिस है, इसका एक्स एक्सिस, इसका एक्स एक्सिस, दोनों एक ही लाइन पर हैं, ये स्लाइड कर रहा है इस पर या ये स्लाइड कर रहा है इस पर, जैसा भी कहें। तो इसको हम लोग इनर्शियल, दोनों इनर्शियल फ्रेम्स हैं। और अगर कोई इवेंट है, जैसे कोई पार्टिकल इस समय पर यहाँ है, तो ये हमारे लिए एक इवेंट है। तो उसको अगर हम लोग इस फ्रेम से डिस्क्राइब करते हैं, तो कहाँ लोकेशन बताने के लिए हम उसका एक्स वाई जेड बताते हैं, और कब ये बताने के लिए हम उसका टाइम बताते हैं। टी बराबर ज़ीरो हम उस समय को कहेंगे जिस समय ये ओरिजिन और ये ओरिजिन दोनों एक ही जगह पर हैं, यानी ये जब चलता हुआ इसको क्रॉस करता है ठीक उस समय, उसको हम लोग कहेंगे टी बराबर ज़ीरो और टी प्राइम बराबर ज़ीरो। और इसी इवेंट को अगर हम यहाँ से डिस्क्राइब करें कहाँ, तो हमें बताना पड़ेगा एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम, और कब, तो हमें बताना पड़ेगा टाइम, टी प्राइम। सेम इवेंट, ये पार्टिकल इस समय इस पोल को के ऊपर है या इस पॉइंट पर है, तो किस पॉइंट पर है बताने के लिए ये बताओ अगर आप एस फ्रेम से यूज़ कर रहे हो, ये बताओ अगर आप एस प्राइम फ्रेम से काम कर रहे हो। इसी तरह कब वहाँ पर है, तो इस फ्रेम को यूज़ कर रहे हैं तो टी बताओ, इस फ्रेम को यूज़ कर रहे हैं तो टी प्राइम बताओ। तो हम लो वेलोसिटीज़ में जब काम करते हैं, तब ऐसी हालत में बहुत सिंपल रिलेशन होता है इनके बीच में, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था, एक्स प्राइम बराबर एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम बराबर वाई, जेड प्राइम बराबर जेड, और टी प्राइम बराबर टी। इसको हम लोग कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और अगर हम वेलोसिटी की बात करें, मान लीजिए कोई पार्टिकल चल रहा है और हम ये जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पार्टिकल किस समय पे कहाँ है, और जब समय बदल रहा है तो उसका लोकेशन भी बदल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी, वो वेलोसिटी हम लोग कैसे लिखते हैं? अगर हम एस फ्रेम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम वेलोसिटी लिखेंगे वी एक्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का एक्स अक्ष की तरफ घटक, ये हम लिखेंगे डी एक्स डी टी। ऐसा क्या मतलब है इसका? अगर ये पार्टिकल यहाँ है और इसका कुछ एक्स वाई जेड है इस समय पे, और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये पार्टिकल कहीं और चला गया, यहाँ चला गया, तो हम उसका, और इस समय इसका कुछ बदल गया, इस समय इसका कुछ बदल गया है कोऑर्डिनेट, एक्स की जगह एक्स प्लस डी एक्स हो गया, वाई की जगह वाई प्लस डी वाई हो गया, z की जगह z प्लस डी जेड हो गया। कब? ये t समय पे यहाँ था और ये t प्लस डेल्टा t या dt इस समय पे। तो पार्टिकल चल रहा है, इस फ्रेम से देखने पे पार्टिकल चल रहा है, पहले ये एक्स वाई जेड पे था t समय पे, और t प्लस dt समय पे ये यहाँ पहुँच गया। तो x दिशा में जो वेलोसिटी है उसको हम कहेंगे कि x में कितना परिवर्तन हुआ dx, कितनी देर में परिवर्तन हुआ dt देर में, तो dx by dt को हम लोग vx लिखेंगे, dx dt ऐसा इसको पढ़ते हैं। इसी तरीके से vy, velocity का y अक्ष की तरफ घटक, dy dt, और z axis की तरफ घटक dz dt। अब अगर आप इनका, इसी तरह से अगर हम s प्राइम फ्रेम में काम करें, उसी पार्टिकल को देखें एस प्राइम फ्रेम से, तो टी प्राइम समय पे उसका ये लोकेशन है, टी प्राइम प्लस डी टी प्राइम
समय पे लोकेशन उसकी बदल जाएगी, और फिर इसी तरीके से हम इक्वेशंस उसके लिए भी लिख सकते हैं, वी एक्स प्राइम यानी डी एक्स प्राइम डी टी प्राइम, एक ही परिभाषा चल रही है, वी वाई प्राइम यानी डी वाई प्राइम डी टी प्राइम, और वी जेड प्राइम यानी डी जेड प्राइम डी टी प्राइम। अब आप इसको इस्तेमाल कीजिए, इस एक्स प्राइम के लिए आप इसको इस्तेमाल कीजिए, तो देखें क्या बनता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं डी डी टी प्राइम एक्स माइनस वी टी, एक्स प्राइम की जगह एक्स माइनस वी टी लिख सकते हैं, और चूंकि टी प्राइम बराबर टी है तो डी टी प्राइम बराबर डी टी है, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं डी डी टी एक्स माइनस वी टी, और इसको फिर और आगे बढ़ा सकते हैं, ये हो जाएगा डी एक्स डी टी और माइनस वी डी टी डी टी। वी तो कांस्टेंट है, ये कौन सा वी है, ये एस प्राइम जिस वेलोसिटी से एस की अपेक्षा चल रहा है वो वाला वी है, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसके ये घटक हैं, और फ्रेम की जो वेलोसिटी है इसकी अपेक्षा वो वी है, तो ये तो फिक्स्ड है, ये समय के साथ नहीं बदल रही, तो आप इसको अलग से बाहर लिख सकते हो डी टी डी टी एक, अर्थात अर्थात वी एक्स माइनस वी, वी एक्स प्राइम बराबर वी एक्स माइनस वी। आप वेलोसिटी के वाई घटक को देखें, जो पार्टिकल का वेग है उसका वाई एक्स की तरफ जो घटक है उसको देखें, प्राइम्ड फ्रेम में अगर काम कर रहे हैं, एस प्राइम में काम कर रहे हैं, तो ये इतना है, और यहाँ से फिर आ जाएं वाई प्राइम बराबर वाई है तो डी वाई प्राइम बराबर डी वाई है, इसलिए इसको लिख सकते हैं आप डी वाई, और डी टी प्राइम बराबर डी टी है, और डी वाई डी टी ये वी वाई है, तो y घटक में कोई परिवर्तन नहीं है, आप s से देखें या s प्राइम से देखें, जो दोनों y कोऑर्डिनेट्स हैं वो बराबर हैं हर समय, और इसलिए y डायरेक्शन में अगर कोई वेलोसिटी है तो वो भी बराबर है। इसी प्रकार से आप वी जेड प्राइम को देखें, डी जेड प्राइम है, z प्राइम बराबर z है तो डी जेड प्राइम बराबर डी जेड है, तो इसलिए ये डी जेड है और ये डी टी है और ये वी जेड है, तो ये समीकरण बने, तीनों को अगर एक जगह में इकट्ठा कर दूं तो वी एक्स प्राइम बराबर वी एक्स माइनस वी, वी वाई प्राइम बराबर वी, और वी जेड प्राइम बराबर ये वी वाई और ये वी जेड। ये वेलोसिटी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो गए, ये वाले पोजीशन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थे, इसमें पोजीशन का पता चल रहा था, यहाँ वेलोसिटी का पता चल रहा है, एक्स एस फ्रेम में जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं और एस प्राइम फ्रेम में जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं उनमें ये रिलेशन है, तो इसको कहेंगे हम वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। वेग के रूपांतरण के ये समीकरण हैं, और अगर आप त्वरण की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें, तो जैसे पोजीशन के बदलने की दर वेलोसिटी कहलाती है, वैसे ही वेलोसिटी के बदलने की जो दर है वो एक्सेलरेशन कहलाती है। तो अगर हम एक्सेलरेशन यहां से लिखें, त्वरण यहां से लिखें, तो हम लिख सकते हैं ए एक्स प्राइम, ए एक्स प्राइम का क्या मतलब, इसके बदलने की दर, अर्थात डी वी एक्स प्राइम डी टी प्राइम, और वी एक्स प्राइम ये है वी एक्स माइनस वी, और डी टी प्राइम और डी टी एक ही है, तो आपको डी डी टी
करना है इसका और माइनस इसका, ये तो कांस्टेंट है, इसके वेग में इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये वी उतना ही रह रहा है टाइम बदलने के साथ, तो इसके परिवर्तन की दर तो शून्य है। तो जब आप ये डिफरेंशिएट करेंगे, डी डी टी प्राइम करेंगे इसका, तो क्या बनेगा, देखिए पहले हम इसको लिख लें, ये बराबर है डी, नीचे हम डी टी लिख देते हैं पूरा, डी टी प्राइम बराबर डी टी है, और ये जो वी एक्स प्राइम है वो है वी एक्स माइनस वी, अर्थात डी वी एक्स डी टी, ये चूंकि इसके बदलने की दर शून्य है इसलिए डी वी डी टी जीरो है, और ये है ए एक्स, अर्थात ए एक्स प्राइम बराबर ए एक्स है। इसी तरीके से आप यहां से लिखें ए वाई प्राइम, लिखें ए वाई प्राइम बराबर क्या, डी वी प्राइम वाई डी टी प्राइम, ये इतना, और ये वी वाई प्राइम तो वी वाई के बराबर ही है इसलिए आप लिखेंगे इसको डी वी वाई, और यहाँ डी टी, डी टी प्राइम और डी टी बराबर हैं, तो ये हो जाएगा हमें ए वाई। इसी तरीके से आप यहाँ भी कर सकते हैं ए जेड प्राइम को, और ए जेड प्राइम बराबर होगा ए जेड। तो आप ध्यान से देखिए, त्वरण का एक्स दिशा में घटक किस फ्रेम से, एस प्राइम फ्रेम से, ये यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ क्या लिखा है, ये बराबर किसके है, ये बराबर इसके है। त्वरण का एक्स दिशा में घटक किस फ्रेम में, एस फ्रेम में, तो एस फ्रेम में जितना घटक है उतना ही एस प्राइम फ्रेम में भी घटक है, एक्स घटक बराबर है। वाई घटक भी देखिए, ए वाई प्राइम है, ये है त्वरण का वाई दिशा में घटक कहाँ से, एस प्राइम से, और ये है त्वरण का वाई दिशा में घटक कहाँ से, एस से, तो एस प्राइम से जो घटक है वही एस से भी घटक है, और वो भी बराबर है, और जेड घटक भी दोनों फ्रेम में बराबर है, अर्थात जितना एक्सेलरेशन पार्टिकल का एस फ्रेम में है ठीक उतना ही एक्सेलरेशन पार्टिकल का एस प्राइम फ्रेम में भी है। तो किसी पार्टिकल का त्वरण सभी इनर्शियल फ्रेम्स में बराबर रहता है, ये एक महत्वपूर्ण परिणाम है, किसी कण का त्वरण सभी जड़त्वीय यानी इनर्शियल निर्देश तंत्रों में बराबर होता है। जितना एस फ्रेम में त्वरण है उतना ही एस प्राइम फ्रेम में भी त्वरण है। वेलोसिटी के लिए, वेग के लिए ये बात नहीं है, वेग के लिए देखिए वाई घटक तो और जेड घटक ये तो दोनों बराबर हैं, लेकिन जो एक्स घटक है वो अलग है। इसी तरह से जो पोजीशन है वो भी वाई और जेड के पोजीशंस तो बराबर दिख रहे हैं, लेकिन एक्स का जो पोजीशन है वो एस फ्रेम में अलग है, एस प्राइम फ्रेम में अलग है, लेकिन त्वरण एक्सेलरेशन ये जितना एस में है उतना ही एस प्राइम में है। ये एक महत्वपूर्ण परिणाम है जिसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन हमने कहाँ से शुरुआत की, हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से शुरुआत की, इसलिए ये परिणाम कब सही है, ये परिणाम गैलीलियन रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन ये परिणाम जो हमने निकाला है वो इसके लिए निकाला है, और ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कब सही होते हैं,
जब हमारी वेलोसिटीज जो हैं वो कम होती हैं तब ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस काम करते हैं, यानी सही होते हैं। उसमें जो भी कुछ अशुद्धियां हैं वो इतनी कम हैं कि हमें उसकी कोई परवाह नहीं होती है। हम कहते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर ओके। तो वैसी हालत में त्वरण जो है सो सभी निर्देश तंत्रों में बराबर होता है। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हम देखते हैं वो न्यूटन के नियम से गवर्न होती है, न्यूटन के दूसरे नियम से। हम इनर्शियल फ्रेम्स में काम कर रहे हैं तो न्यूटन का पहला नियम तो सही है ही, जो दूसरा नियम है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, उससे बहुत सारी चीज़ें गवर्न होती है। जितनी चीज़ हम चलती हुई देखते हैं वो चाहे हमारा कुछ छोड़ दें वो गिर जाए नीचे ज़मीन की तरफ, या दो चीज़ों में टक्कर हो जाती है तो उसके बाद उनकी दिशाएं बदल जाती हैं, या हम साइकिल के ऊपर पैडल के ऊपर बल लगाते हैं और उसके कारण से वो चक्का घूमता है और साइकिल आगे बढ़ती है। ये विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हम देखते हैं वो सब F बराबर एम ए यहाँ से वो कंट्रोल होती हैं। और इस F बराबर एम ए को अगर हम देखें, ये जो इक्वेशन है या सूत्र है या नियम है उसको अगर हम देखें, हम इसको लिखें बल परिणामी बल बराबर द्रव्यमान और गुना त्वरण, ये है वो रूल, ये है वो नियम जिससे कि बहुत तरह के जो मोशन हम देखते हैं वो इससे गवर्न होते हैं, इससे कंट्रोल होते हैं, इसके अनुसार होते हैं। अब ये बल कैसे आता है, बल पैदा कैसे होता है? बल पैदा होता है जब दो वस्तुएं एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं। सूरज है, धरती है, तो दो चीज़ें हैं। तो जो सूरज है वो धरती पर बल लगाता है, धरती है वो सूरज पर बल लगाती है। इसी प्रकार से स्प्रिंग है, और अगर स्प्रिंग को दबा रखा है हमने तो हम स्प्रिंग पे बल लगा रखे हैं और स्प्रिंग ने मेरे ऊपर बल लगा रखा है। तो जब वस्तुएं एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं तब बल लगता है, या आवेश है, आवेश एक आवेशित धन आवेश है, एक ऋण आवेश है, या चुंबक के पोल्स है, ध्रुव है, तो वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाती हैं। और वो बल निर्भर करता है कि उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है और उसके रचना कैसी है, इन चीज़ों पर बल निर्भर करता है। तो जब हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में से देखते हैं, यानी कम वेलोसिटी वाली चीज़ों को देखते हैं, तो अगर हम एस फ्रेम में रहें या हम एस प्राइम फ्रेम में रहें, हमारे दो वस्तुएं अगर हैं तो उनका जो आकार है, उनका जो शेप है, उनकी जो ज्योमेट्री है वो एक सी रहने वाली है। गोल है तो गोल है, चाहे इस फ्रेम में रहें या उस फ्रेम में रहें। इसी तरीके से लंबाई अगर किसी चीज़ की 20 सेंटीमीटर है तो लंबाई 20 सेंटीमीटर है, चाहे इस फ्रेम में रहें या उस फ्रेम में रहें, तो ज्योमेट्री एक जैसी है और दोनों के बीच की दूरी एक जैसी है, तो जो बल लग रहा है वो बल भी उतना ही होगा, एक जैसा होगा। तो यानी आप एस फ्रेम में रहो या एस प्राइम फ्रेम में रहो, बल उतना ही है। किसी वस्तु पर लगता हुआ बल जितना यहाँ है उतना ही आप एस प्राइम से भी देखोगे तो भी आपको उतना ही बल मिलेगा। तो अगर एस फ्रेम से हमने देखा और कहा कि एफ बराबर एम इंटू ए है, तो ये जो एफ है बल, अगर आप एस प्राइम में भी चले जाओ, ये एस फ्रेम से हम लिख रहे हैं, और एस प्राइम में भी चले जाओ तो बल उतना ही रहने वाला है। यानी प्राइम में सब चीज़ हम प्राइम लगा करके लिखते हैं, तो एफ प्राइम अगर लिखेंगे इसको तो एफ और एफ प्राइम बराबर होंगे। फिर द्रव्यमान है, मास है पार्टिकल का, तो पार्टिकल का मास भी आप इस फ्रेम में रहो या उस फ्रेम में रहो, मास तो उतना ही है, और इस कारण से जो मास लिखेंगे हम वो भी उतना ही लिखेंगे, एम प्राइम बराबर एम लिखेंगे। और त्वरण हमने अभी पूरा गणित करके देख लिया कि आप एस प्राइम में रहो, एस प्राइम फ्रेम में रहो या एस फ्रेम में रहो,
त्वरण उतना ही रहता है, सभी इनर्शियल फ्रेम्स में किसी कण का त्वरण बराबर होता है। तो इसलिए जो यहाँ पर त्वरण है वो भी इस त्वरण के बराबर है। तो अगर F बराबर एम ए है, मास और एक्सेलरेशन को गुना करके F बनता है, तो यहाँ भी आप देखें F प्राइम इज इक्वल टू एम प्राइम ए प्राइम। यहाँ भी वही बात हो गई, F की जगह में F प्राइम लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। M की जगह में M प्राइम लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। A की जगह A प्राइम लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। और यहाँ भी वही बात हो गई, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। इसको हम लोग कहते हैं कि ये जो न्यूटन का नियम है, न्यूटन का गति नियम है, दूसरा गति नियम, सभी जड़त्वीय तंत्रों में, निर्देश तंत्रों में, फ्रेम्स में एक जैसा रहता है। इसको हम कहते हैं इनवेरिएंट। जो न्यूटन का गति नियम है वो फ्रेम्स बदलने से उसका स्वरूप नहीं बदलता, उसका समीकरण नहीं बदलता, वो इनवेरिएंट है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत कर रहे हैं। तो ये सारी बात जो लिखी गई है वो कब सही हम बताएंगे, ये सब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन गैलीलियन रूपांतरण के अनुसार, गैलीलियन रूपांतरण के अनुसार न्यूटन का गति नियम सभी जड़त्वीय तंत्रों में एक जैसा रहता है। यहां भी फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन है, यहां भी फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन है। और चूंकि बहुत तरह के जो हमारे इवेंट्स डेली लाइफ के है वो न्यूटन्स लॉ से गवर्न होते हैं, और न्यूटन्स लॉ एस में भी वही है और एस प्राइम में भी वही है, तो जो परिणाम हमें एस में मिलने चाहिए वही परिणाम हमें एस प्राइम में भी मिलने चाहिए। अर्थात अगर मैं इस कमरे में हूँ और इस कमरे में मैं अपने दोनों पैरों पर ऐसा खड़ा हो सकता हूँ ठीक प्रकार से, तो अगर मैं किसी दूसरे फ्रेम में रहूँ जो इस कमरे की अपेक्षा एक समान वेग से एक दिशा में चल रहा हो, यानी वो भी इनर्शियल फ्रेम है लेकिन इसकी अपेक्षा चल रहा है, वहां भी मैं ऐसे ही इत्मीनान से खड़ा हो सकता हूं। अगर यहां मैं बिना छलकाए हुए प्याले से चाय पी सकता हूं, तो उस फ्रेम में भी मैं बिना छलकाए हुए प्याले से चाय पी सकता हूं। यहां पर अगर मैं खड़ा होकर के और कुछ यहां से गिराऊं और वो ठीक मेरे पैर के ऊपर हो और गिराने पे मेरे पैर को ही हिट करेगा, तो उस चलते हुए फ्रेम में भी, एक समान वेग से चलते हुए फ्रेम में भी अगर मैं उसी प्रकार से खड़ा होकर के वैसे ही गिराऊं तो वो वस्तु वैसे ही मेरे पैर को जाकर के टक्कर मारेगी। अगर मैं बैडमिंटन खेलना शुरू कर दूं तो भले ही मेरा कोर्ट जमीन पर हो या उस एक समान वेग से चलते हुए किसी जहाज पर हो, वो बैडमिंटन हमारा वैसा ही खेला जाएगा, मेरी स्किल्स वैसी ही काम आएंगी। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट को करके आप ये नहीं बता सकते हो कि कौन चल रहा था और कौन स्थिर था, आप एस फ्रेम में हो कि एस प्राइम फ्रेम में हो। एक ही फ्रेम में अगर मैं रह करके सारे एक्सपेरिमेंट्स करूं तो एस में करूंगा तो भी वही परिणाम मिलेंगे, एस प्राइम में रहूंगा तो भी वही परिणाम मिलेंगे। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, इसी को कहते हैं आपेक्षिकता का सिद्धांत। यानी क्या है सिद्धांत, कि सारे एक्सपेरिमेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट्स आप कर रहे हो, एक फ्रेम में जो परिणाम दे रहे हैं वही एक्सपेरिमेंट अगर आप दूसरे फ्रेम में दोहराओ
दूसरे इनर्शियल फ्रेम में, तो वो वही वही परिणाम फिर आपको मिलेंगे। यानी जो लॉज हैं, जो प्रकृति के नियम हैं, वो नियम सभी फ्रेम्स में एक समान हैं और इसलिए सभी परिणाम एक समान आते हैं। इसको कहते हैं आपेक्षिकता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। जब तक आप जड़त्वीय फ्रेम में हैं, चाहे वो एस में हो, एस प्राइम में हो, एक फ्रेम लें और उसकी अपेक्षा चलता हुआ एक समान वेग से चलता हुआ दूसरा फ्रेम लें, वो चाहे जितना भी तेजी से चल रहा हो, जो प्रकृति के नियम हैं वो सभी जड़त्वीय फ्रेमों में एक ही रूप के होते हैं। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो नियम हैं, जो समीकरण हैं, रूल्स हैं, लॉज हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार वो इनवेरिएंट होने चाहिए, वही रूप उनको बना रहना चाहिए। तो न्यूटन के नियम के लिए तो हमने देखा कि अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस की हम बात करें तो न्यूटन का नियम जो है वो इनवेरिएंट है, और इसलिए उस पर आधारित जितने भी परिणाम होंगे उनके लिए ये रिलेटिविटी की बात सही निकलेगी। लेकिन न्यूटन के नियम ही तो सारी प्रकृति को बता नहीं सकते, और भी प्रकार के नियम हैं। खास करके अगर आप आवेश की बात करें, दो आवेश एक दूसरे पर कैसा बल लगाते हैं, एक आवेश चल रहा हो तो क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र पैदा होता है और चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, उन पर भी आधारित बहुत सारी घटनाएं हैं। उनके जो रूल्स हैं वो रूल्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट नहीं है, और इसलिए समस्या आ जाती है कि जब हम मैकेनिक्स की बात करें, न्यूटन के नियमों की बात करें, तब तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी ठीक, लेकिन अगर हम आवेश की बात करें, चार्ज की बात करें, मैग्नेटिज्म की बात करें, तब प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी ठीक नहीं, क्योंकि उसके जो रूल्स हैं जिसको मैक्सवेल के नियम कहा जाता है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट नहीं होते हैं। हम इसकी चर्चा अगले क्लास में करेंगे।